अवेक द रैपर इस नाम से इसका एक यूट्यूब चैनल जिसपे इस तरह के वीडियोस ये पोस्ट करता था। रॉबर्ट क्रीमो आखिर है कौन, पूरा नाम क्या है? आरोपी का पूरा नाम रॉबर्ट ई क्रीमो थर्ड है। हमलावर रॉबर्ट क्रीमो के बारे में जो प्रोफाइलिंग सामने आई है, महज इसकी उम्र 22 साल की। कई वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं। पेशे से एक रैपर और जैसा कि बताया अवेक द रैपर नाम से इसका एक यूट्यूब चैनल जिसे फिलहाल हटा दिया गया है। यहां पर गाने इसके काफी आक्रामक और उत्तेजक होते रहे हैं। उसके आप बोल सुनिए, उसका म्यूजिक सुनिए, उसमें एक्शंस देखिए। कई टैटू बने हुए हैं शरीर पर रॉबर्ट क्रीमो के। और 2016 में पहला गाना इसने अपना रिलीज किया था, उसे काफी हिट्स मिले। यूट्यूब पर इसके दो चैनल्स चलते हैं और उस पर इस तरीके के वीडियोस रॉबर्ट क्रीमो पोस्ट करता रहता है। लेकिन इसके ऊपर नियमों के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। हालांकि बाद में यूट्यूब ने जो इसके चैनल्स थे उसको हटा दिया, उसको डिलीट कर दिया गया। और इटालियन अमेरिकन परिवार में यह पला बढ़ा है ये रॉबर्ट क्रीमो। दूसरी तरफ डॉक्टर सुमित कुमार झा, इसके बारे में ये भी बात सामने आई है कि ये अपने फादर के साथ, अपने अंकल के साथ रहता था। इस तरह के बच्चों की मानसिकता जो होती है उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल घूम फिर कर अमेरिका पर आ जाता है। 250 से ज्यादा शूटआउट्स की घटना इस साल में अब तक हो जाती है। आखिर क्या वजह है कि पैंडेमिक भी बताते हैं जो बाइडन गन कल्चर को, ये भी कहते हैं कि इसके खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन कोई ठोस कदम सिवाय एक बहुत मामूली से स्टेप के क्या कोई अभी तक नजर आया है पॉलिसीज में इनके? जहां तक यूएस पॉलिसी की गन कल्चर की बात है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं। मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करता हूं। मुझे पता नहीं मैं इस एनालिसिस में वो बात सही बैठती है जी। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 15 से 20 या 22 साल के जो बच्चे हैं और ये जो मिसगाइडेड हैं, कहीं इसको यूज तो नहीं किया जा रहा है ये बताने के लिए कि अंदरूनी रूप से अमेरिका कितना खोखला होता जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि गन कोई ऐसी चीज नहीं है, चॉकलेट तो है नहीं कि कोई बाजार में गया और खरीद लिया। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपकी बात का एक इम्पॉर्टेंट पहलू मैं इसलिए यहाँ पर अपडेट के साथ बताना चाहूंगी क्योंकि इससे पहले जो टेक्सास में भी शूट आउट हुआ उसमें आप यकीन मानिए 18 साल के बच्चे को उसके पेरेंट्स ने बर्थडे पर गन गिफ्ट की थी। इससे पहले जो ऑक्सफोर्ड स्कूल में शूट आउट हुआ उसमें बच्चे को क्रिसमस पर बतौर गिफ्ट ये दिया गया। तो जो बात आप कह रहे हैं उसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। यही मैं यही कहने जा रहा था कि इसका मतलब ये है कि पैसा इतने आसानी से वहाँ पर उपलब्ध है बच्चों को, या जो पेरेंटिंग है ये इस तरीके का है जहाँ पे गन कल्चर सामान्य बात नहीं है। गन कल्चर सामान्य बात नहीं है और यही कारण है कि ये एक पूरे सामाजिक परिदृश्य में देखना चाहिए, बजाय कि हम ये कह बैठें कि वहाँ की कानून इस बात पे कोई रोक नहीं लगा रही है। अगर ऐसा होता तो ये गन कल्चर की जो परिस्थिति वो बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये जो मिसगाइडेड बच्चे हैं जो कहीं कहीं ना कहीं घर में समाज में नहीं, सुमित जी जल्दी से क्विक बात ये कि पैसा तो सबके पास है ना, फिर तो पैसा सब गन खरीदने के लिए खर्च करते रहे, लेकिन अवेलेबल होगी तभी तो करेंगे, इलीगल नहीं होगी तभी तो करेंगे। तो अगर सब हो जाता तो परिस्थिति और बिकट हो जाती, इसीलिए आइसोलेटेड डेवलपमेंट है, इसकी संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर सामाजिक जो संस्कृति है उस पर कुटराघात हो रहा है, उस पर प्रभावित हो रहा है, और जो मिसगाइडेड बच्चे हैं उस ये इस स्थिति में ठीक है। सुमित जी बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं वो भी एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला अवेलेबिलिटी का नजर आता है, क्योंकि डिप्रेस कोई भी हो सकता है, नाराज जमाने से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसके पास एक मौका है अपने गुस्से का इजहार इस तरीके से करने का। और ये घटनाएं लगातार ये साबित कर रही है कि ये हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका बचेगा इससे कैसे, ये बड़ा सवाल है।